पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जस्टिस मेनन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जस्टिस राजेंद्र मेनन को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। जस्टिस मेनन मार्च 2017 से अब तक पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय से पहले जस्टिस मेनन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहते हुए लंबित मामलों को निपटाने के लिए शनिवार को भी कोर्ट खोलने जैसे फैसले उनके नेतृत्व में लिए गए। इतना ही नहीं, पटना में जलभराव और अन्य गंभीर मुद्दों पर जस्टिस मेनन बड़े फैसले कर चुके हैं। शपथ ग्रहण के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद थे। हालांकि जस्टिस मेनन के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद भी न्यायाधीशों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। नियम के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय में 60 न्यायाधीश होने चाहिए, जबकि जस्टिस मेनन के पदभार ग्रहण करने के बाद भी न्यायाधीशों की संख्या 35 ही रहेगी, क्योंकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजेंद्र मेनन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित मामलों की तादाद 71,000 के आसपास है, यानी औसतन हर जज के पास करीब 2,000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में हर किसी को इंतजार इस बात का है कि जस्टिस मेनन के कार्यभार संभालने के बाद लंबित मामलों के निपटारे में कितनी तेजी आती है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।